टैक्सिल.com के YouTube चैनल पर मैं सीए सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। आईसीआई के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी ने जीएसटी ऑडिट फॉर्मेट्स फाइनेंस मिनिस्ट्री को सबमिट कर दिए हैं। आईसीआई के इनडायरेक्ट टैक्स कमेटी ने जीएसटी ऑडिट कम रिकंसिलेशन स्टेटमेंट के फॉर्मेट ड्राफ्ट बनाए हैं और गवर्नमेंट को 29 मई 2018 को सबमिट कर दिए हैं कंसिडरेशन के लिए। यदि गवर्नमेंट इन फॉर्मेट को अप्रूव कर देती है तो आपको ऑडिट रिपोर्ट इन फॉर्मेट्स में सबमिट करनी होगी। आईसीएआई ने यह रेकमेंड किया है कि जीएसटी की जो ऑडिट रिपोर्ट है उसके लिए फॉर्मेट GSTN 9C यूज़ किया जाएगा और स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर्स के लिए फॉर्म GSTN 9D यूज़ किया जाएगा। इसके अलावा जो GSTN 9D है उसके दो वर्जन्स होंगे। पहला वर्जन उन टैक्स पेयर के लिए होगा जिनकी टर्नओवर के 10 करोड़ रुपया तक है और दूसरा वर्जन उन टैक्स पेयर के लिए होगा जिनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपया से ज़्यादा है। यह है GST 9C का फॉर्मेट यानी कि GST ऑडिट रिपोर्ट। यदि यह फॉर्मेट अप्रूव हो जाता है तो चार्टर अकाउंटेंट को इस फॉर्मेट में GST का जो ऑडिट है वो कंडक्ट करना है और ये रिपोर्ट जो है वो सबमिट करनी है। इस फॉर्मेट के साथ एक टेबल भी दिया गया है जिसमें कि जो अमाउंट एज पर एनुअल रिटर्न है वो सर्टिफाई करना है, करेक्ट अमाउंट सर्टिफाई करना है, डिफरेंस सर्टिफाई करना है और उसके साथ जो नेक्स्ट है वो लगानी है। इसके साथ ही इस फॉर्मेट के नीचे सीए यह भी एडवाइस करेगा कि वे डिफरेंशियल टैक्स लाइबिलिटी कितनी कस्टमर को यानी कि टैक्स पेयर को बोल रहा है कि वे पे करे और कितना इंटरेस्ट जो है इस पर बनता है और कितनी पेनल्टी बनती है, कितना इनपुट टैक्स क्रेडिट टैक्स पेयर को रिटर्न्स में जो है वो रिवर्स करना चाहिए या फिर कितना जो रिफंड है वो क्लेम करना चाहिए। इसके बाद चार्टर अकाउंटेंट को साइंस करनी है। इस फॉर्मेट के साथ ही आपको अनेक्सर भी दिए गए हैं रिकंसिलेशन के लिए जो कि आपको इस ऑडिट रिपोर्ट के साथ लगाने हैं। जो अनेक्सचर्स आपको GST 9C के साथ लगाने हैं वह है अनेक्सचर ए नेट आउटवर्ड सप्लाई जहां पे के आउटपुट टैक्स पेबल है, अनेक्सचर बी आउटपुट टैक्स पेबल, अनेक्सचर सी नेट इनवर्ड सप्लाई जहां पे के आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ले लिया है, अनेक्सचर डी टैक्स पेबल ऑन रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज, अनेक्सचर ई नेट इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड, अनेक्सचर एफ रिफंड क्लेम्ड, अनेक्सचर जी नेट आउटवर्ड सप्लाई जहाँ पे कि आप कोई आउटपुट टैक्स पेबल नहीं है आपका, अनेक्सचर एच नेट इनवर्ड सप्लाई जहाँ पे कि आपने कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है। यह है GST 9D का फॉर्मेट वर्जन 1 यानी कि स्मॉल एसएससी जिनकी के टर्नओवर 10 करोड़ रुपीज तक है उन्हें इस फॉर्मेट में जो है चार्टर अकाउंटेंट रिपोर्ट देगा यानी कि स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर जो है वो चेक करेगा, रजिस्टर्ड एंड प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जनरल इन्फॉर्मेशन चेंज ड्यूरिंग द ईयर। फिर इसका पार्ट बी आ जाएगा लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स जिसके लिए कि अनेक्सचर 1 लगेगा। इस प्रकार जो अनेक्सचर्स हैं वो इन पॉइंट्स के लिए लगाए जाएंगे। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए अनेक्सचर लगाए जाएंगे, प्लेस ऑफ सप्लाई के लिए अनेक्सचर लगेगा, वैल्यू ऑफ सप्लाई चेक की जाएगी और उसके लिए जो अनेक्सचर हैं वो लगाए जाएंगे, इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए अनेक्सचर लगाया जाएगा, जो वर्क के लिए अनेक्सचर लगाया जाएगा, रिटर्न्स के लिए, पेमेंट के लिए, रिफंड के लिए, डॉक्यूमेंटेशन भी चेक करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट, रेशियोज चेक करेगा, एनी अदर इश्यूज एंड कंसिडरेशंस यहाँ पे रिपोर्ट किया जा सकता है और उसके बाद इस रिपोर्ट को सीए के द्वारा जो है वो साइन किया जाएगा। इस प्रकार इस रिपोर्ट में जो टोटल है वो 20 अनेक्सचर जो है वो लगाए जाएंगे जिनका के फॉर्मेट इस ऑडिट रिपोर्ट में दिया गया है। यह है GST 9D का फॉर्मेट यानी कि वर्जन 2 उन टैक्स पेयर के लिए जिनकी टर्नओवर के 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो जाती है। यहाँ पे रजिस्टर्ड पर्सन की बैकग्राउंड को चेक किया जाएगा सीए के द्वारा, जीएसटी प्रोफाइल जो है रजिस्टर्ड पर्सन का वो चेक किया जाएगा, प्लेस ऑफ बिजनेस को चेक किया जाएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन चेंज यदि हुआ है ड्यूरिंग द ईयर तो उसे भी चेक किया जाएगा, लेवी एंड कलेक्शन के लिए जो है वो पॉइंट्स दिए गए हैं जो कि सीए को चेक करने होंगे अनेक्सचर वाइज पार्ट बी में GST 9D के। इसी प्रकार ही बाकी के जो पॉइंट्स हैं उनके लिए भी अनेक्सचर्स दिए गए हैं जिन फॉर्मेट्स में कि यह इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट की जाएगी और रिपोर्ट की जाएगी। इस रिपोर्ट में जो कि डिटेल्ड फॉर्मेट है GST 9D का वर्जन 2 इसमें 24 अनेक्सचर्स हैं जो टोटल वह सीए के द्वारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाएगी और इस रिपोर्ट के अंतर्गत जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पे एडवांस रूलिंग से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी
चेक करेगा चार्टर अकाउंटेंट, एडजुडिकेशन अपील रिवीजन चेक करेगा, रेशियोज जो है वह भी चेक करेगा, कोई और इशू जो है वह भी चेक करेगा। इस ड्राफ्ट ऑडिट रिपोर्ट और स्टेटमेंट्स को डाउनलोड करने के लिए लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी और टैक्स पर स्पेशल जानकारी और टिप्स लेने के लिए आप मेरे ऑनलाइन कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक है जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, यानी कि patreon.com/csatbirsingh। यदि आप जीएसटी से रिलेटेड रेगुलर अपडेट्स अपनी ईमेल आईडी पर मंगवाना चाहते हैं तो आप हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। यदि आप हमारे प्रीवियस जीएसटी न्यूज़ को सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट को रेफर कर सकते हैं। आज की जीएसटी की न्यूज़ आपको कैसी लगी इसके बारे में हमें बताएं, लाइक करें और शेयर करें। जितना अधिक आप लाइक करते हैं और शेयर करते हैं उतनी ही अधिक हमें प्रेरणा मिलती है कि हम और भी अधिक अच्छी जीएसटी की न्यूज़ आप तक पहुंचा पाएं। जो नई जीएसटी की बुक्स मार्केट में आई है उन्हें रेफ़र करने के लिए आप हमारी वेबसाइट taxseal.com पर जा सकते हैं, बुक्स के अंदर न्यू रिलीज इन बुक स्टोर पर क्लिक कर सकते हैं और इन बुक्स को रेफ़र कर सकते हैं। जो नई बुक्स मार्केट में आई है वह है जीएसटी रेडी रेकनर बाय वीएस डाटे रिवाइज्ड रीप्रिंट 6th एडिशन अमेंडेड अप टू 3rd April 2018। इसी प्रकार ही गाइड टू गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी ई वे बिल बाय वीएस डाटे 2018 अमेंडेड अप टू 27th March 2018। जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स कॉम्पेंडियम बाय डॉक्टर संजीव अग्रवाल। प्रैक्टिशनर गाइड टू इनपुट टैक्स क्रेडिट अंडर जीएसटी। गाइड टू जीएसटी ऑन सर्विसेज HSN कोड वाइज टैक्सीबिलिटी ऑफ ऑल सर्विसेज। इसी प्रकार ही लर्निंग टेली ERP 9 विद जीएसटी।